सिलीगुड़ी नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 46 स्थित चंपासरी से बीते बुधवार से गायब एक 13 वर्षीय किशोरी को बुधवार रात ही एनजीपी रेलवे स्टेशन में डिब्रूगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन से बरामद कर लिया गया है। इस मामले में दो किशोर को गिरफ्तार भी किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते बुधवार को चंपासरी से गायब हुई इस किशोरी के परिवार की तरफ से प्रधाननगर थाने में किडनैपिंग का मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद जांच में जुटी प्रधाननगर थाने की सादे पोशाक की पुलिस ने बीती रात एनजीपी रेलवे स्टेशन में डिब्रूगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन से किशोरी को बरामद कर लिया। साथ ही उसके साथ मौजूद दो किशोर को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों किशोरों के नाम कृष्णा राज और अभिषेक राज है। ये दोनों यूपी के रहने वाले हैं। कृष्णा राज ने बताया कि दोनों की सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी, जिसके बाद इनकी दोस्ती धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गया। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, जिस वजह से वे किशोरी को लेकर दिल्ली जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं किशोरी के परिवार वालों ने कृष्णा राज के बयान को निराधार बताया है। परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बच्ची को नशा देकर किडनैप कर ले जाया जा रहा था। एक साल टिकटॉक और लाइक से जानती है वो मुझे, वो खुद लेके गई थी मुझे, खुद आई थी एनजेपी आई थी वो, अगली बार आया था ना मैं तो मुझे एनजेपी से लेने आई थी, शादी करूंगी तुमसे तो यूपी ले जाते। हाँ।